Hey students, how are you all? Welcome to our another learning session. In this video, we'll be starting with chapter number 19 from your English grammar portion, that is synonym and antonym. Synonyms are pravaji, antonyms are vilom shabd. Easy, है ना? आप ये daily life में कितने words हैं कि आप अपनी बात को explain करने के लिए जैसे different words use करते हैं. सिमिलरली सिनोनिम्स बने ही इसलिए हैं कि माइट भी कुछ सेंटेंसेस में मैं एक वर्ड यूज़ कर सकती हूँ, माइट भी मुझे कुछ सेंटेंसेस में कोई दूसरा वर्ड यूज़ करना है, बट मेरा मीनिंग सेम होगा. सिनोनिम क्या है? अलग वर्ड्स होंगे बट माई मीनिंग इज हेयर इज सेम, हेयर सेम या ऑलमोस्ट सेम. ओके, यस. So let's see, first one is decide. Here decide क्या, कैसे decide क्या है? एक word, उसका synonym क्या है? Determine. कुछ चीज़ को सोचना या कह सकते हैं choose करना. decide का एक और synonym हो सकता है choose. Okay, next हो सकता है set. मैंने अपने goals set कर लिए, या मैं कह सकती हूँ मैंने अपने goal decide कर लिए. next है determine. डिटरमाइन भी मीनिंग सेम है, दैट कि आपने कुछ ऑलरेडी सोचा हुआ है, आप वो करके ही रहोगे, दैट इज डिटरमाइन. नेक्स्ट इफ आई टेक आस्क, हियर मैं आपसे, आप ये सारे वर्ड्स रीड कर सकते हो, कोई वर्ड नहीं समझ में आया यू कैन आस्क मी. हियर आस्क कैसे? अब आस्क का सिनोनिम क्या है? इंक्वायर. आस्क के एक और सिनोनिम क्या हो सकता है? क्वेरी या टू क्वेश्चन, मीन्स टी ओ, टू क्वेश्चन. आई वॉज अबाउट टू क्वेश्चन, मैं पूछने वाली थी. आस्क का भी मतलब यही हुआ, पूछना. टू क्वेश्चन भी मतलब पूछना हुआ. या नेक्स्ट एक और सिनोनिम हो सकता है इसका, इंटेरोगेट. अगेन इंटेरोगेट मीन्स पूछताछ करना. सो दीज आर क्या है? सिनोनिम्स ऑफ आस्क. नाउ लेट्स टेक वन और टू मोर एग्जाम्पल्स फ्रॉम यू, फ्रॉम बुक. ये सारे एग्जाम्पल्स आप रीड कर सकते हो एंड यू कैन आस्क मी. ओके, इफ देर इज एनी प्रॉब्लम आई विल बी गिविंग यू एक्टिविटी, सो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन से रीड करने. ओके, सो यस, हियर इफ आई से वीक, तो वीक का सिनोनिम क्या हुआ? वीक का सिनोनिम फीबल. यहाँ सेकेंड लास्ट लाइन में अगर आप देखोगे, आई जस्ट अंडू दिस ऑल लाइन्स, यस हेयर वीक. तो वीक का सिनोनिम क्या है? फीबल. मीन्स अगर कोई चीज़ अपन कहते हैं कमज़ोर, वीक मीन्स होता है कमज़ोर. सिमिलरली अगर आपको वीक वर्ड यूज़ नहीं करना तो आप उसकी जगह फीबल भी यूज़ कर सकते हो. सिक, एस आई सी के सिक भी यूज़ कर सकते हैं. डल भी कह सकते हैं कि शी और ही इज़ लुकिंग डल. यहाँ डल हमेशा कलर से करा जाता है कंपेयर, कि अगर कोई डल कलर होता है तो अपन उसको कहते हैं, या जो अच्छा नहीं कलर होता उसको कहते हैं डल कलर है. बट अपन डल, अगेन किसी की अगर तबीयत ख़राब है या कोई अच्छा नहीं दिख रहा तो अपन कह सकते हैं ही और शी इज़ लुकिंग डल. नेक्स्ट है फ्रेजाइल. जैसे फ्रेजाइल किस में आ जाएगा? इफ़ आई से ग्लासेस में आ जाएगा, कि कोई भी चीज़ जो ईजिली टूट जाए तो वो क्या होगी? डेफिनेटली वीक होगा जो टूट सकता है. इसलिए वीक का सिनोनिम फीबल, फ्रेजाइल, सिक, डल, ये सब हो सकते हैं. नेक्स्ट आपके राइट हैंड साइड कॉलम में लास्ट फोर्थ, वन टू थ्री फोर, लास्ट फिफ्थ वर्ड है मर्सी. हियर मर्सी क्या है? दया दिखाना. मर्सी दया, एंड उसका सिनोनिम क्या है? पिटी, और यू कैन से चैरिटी या ग्रेस. ठीक है, अपन कहते हैं प्लीज़ गॉड हैव मर्सी, या गॉड बाय गॉड ग्रेस मींस उनकी दया की वजह से. नेक्स्ट है आपका एंटोनिम्स. व्हाट आर एंटोनिम्स? एंटोनिम्स आर द वर्ड दैट हैव ऑपोजिट मीनिंग. अगर मैं कह रही हूँ कोल्ड तो उसका ऑपोजिट क्या है? हॉट. अबव, बिलो, फ्रंट, बैक, ये क्या है? ऑपोजिट मीनिंग.
इन वर्ड्स को अपन कैसे कह सकते हैं, कुछ वर्ड्स सिंपल वर्ड्स होते हैं एंड कुछ वर्ड कॉम्प्लेक्स, मीन्स जिनको पढ़ने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हुई या जिनके जो स्पेलिंग्स हैं वो थोड़े बड़े हों उनको कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स. सो इफ आई टेक एग्जाम्पल नॉलेज, हियर नॉलेज, तो यहाँ पे नॉलेज का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, इग्नोरेंस. कि मैं कहूँगी कि उस बच्चे को बहुत नॉलेज है बट वो वाला बच्चा बहुत इग्नोरेंट है, मीन्स इग्नोरेंस कि उसको कुछ पता ही नहीं है, उसको कुछ पढ़ना चाहता ही नहीं है. नेक्स्ट आई टेक ऑनर, ऑनर शेम, अपन कहेंगे कितनी ऑनर की बात है, नेक्स्ट कहेंगे कितनी शेम की बात है. मीन्स कोई चीज़ अगर किसी ने बहुत, अगर इफ आई से कि उसने इंडिया में फर्स्ट रैंक पाया है तो उसको क्या 1000 रुपीज़ से ऑनर करा गया है, मीन्स इज्जत देना. एक होता है शेम कि इफ आई से शेम ऑन यू, मीन्स आपकी अभी इज्जत है नहीं बिकॉज माइट बी ड्यू टू सम अनदर रीज़न. ठीक है, बेसिकली अपन को ये देखना है कि इनका ऑपोजिट वर्ड होंगे क्या. नेक्स्ट इफ आई से हेयर एक्सेप्ट, ए सेकेंड एग्जाम्पल एक्सेप्ट हेयर, सो एक्सेप्ट का क्या आ जाएगा, रिजेक्ट. मैंने ये एक्सेप्ट करा और मैंने अगर कोई चीज़ मना कर दी, रिजेक्ट. ओके, इफ आई से लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, ओके हेयर. नाउ आई टेक अनदर कलर कि आपको कन्फ्यूजन ना हो. लार्ज, तो लार्ज का क्या हो गया, स्मॉल. ओके, ऑपोजिट और क्या हो सकता है, टाइनी. स्मॉल लार्ज का टाइनी. ओके, एंड यू कैन मेक दीज काइंड ऑफ चार्ट्स इन योर रफ कॉपी जिससे आपको ईजली समझ में आ जाए कि फॉलो, अगर एक वर्ड है फॉलो तो उसका सिनोनिम क्या है, ओबे. एंटोनिम क्या है, डिसओबे. इन्फीरियर का पुअर, रिच. पावरफुल, पावरफुल का क्या सेम, अगर मुझे किसी को पावरफुल बताना है, मैं कहूँ ही इज़ पावरफुल तो मैं और भी क्या कह सकती हूँ, ही इज़ स्ट्रॉन्ग. एंड अगर मुझे कुछ ऑपोजिट मीनिंग बताना है तब मैं कह सकती हूँ ही इज़ वीक या ही इज़ फ्रेजाइल. सो हेयर आर वी क्लोज दिस चैप्टर, सिनोनिम एंड एंटोनिम्स. यू कैन रीड ऑल दीज एग्जाम्पल्स, रीड 5 or 4 एग्जाम्पल्स डेली, यू विल अंडरस्टैंड. एंड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग यू कैन रेफर डिक्शनरी ऑल्सो, वहाँ पर डिक्शनरी में ही आपको इतने सिनोनिम एंटोनिम्स मिल जाएंगे. प्लस यू हैव इंटरनेट, यू कैन फाइंड आउट ऑन दैट. एंड वेन वी विल बी डूइंग द बुक एक्सरसाइज तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा. इट इज़ नॉट टफ टॉपिक, इट इज़ वेरी ईजी. आई होप यू अंडरस्टूड. वी एंड दिस वीडियो हियर. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग.